नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मुख्य रूप से राज्य के जो बांध हैं और उनकी जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करने वाले हैं, जो आपके रिट मेंस में अपहा तंत्र के टॉपिक में दिया गया आपको एक बिंदु है और उसमें लिखा हुआ है बांध। ठीक है, तो आज हम इस क्लास में मुख्य रूप से बांधों को लेकर ही चर्चा करेंगे। तो कुछ प्रमुख बांध इस क्लास में करेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। इससे पहले हमने राज्य की जो मध्यम सिंचाई परियोजनाएं थी और वो किन बांधों से संबंधित थी उन पे हमने क्लास की है। तो आज हम मुख्य रूप से देख लेते हैं माही बाजार सागर बांध परियोजना, इसको लेकर के आज चर्चा कर लेते हैं। इसकी क्या क्या विशेषताएं उनको जान लेते हैं। तो यहां से हम क्या क्या देख लेते हैं, आज बात कर लेते हैं माही बाजार सागर बांध परियोजना को लेकर के। पहले तो बात यह है कि ये किस नदी पर है। ये जो बांध बना हुआ है ये बना हुआ है माही नदी के ऊपर। अब कहां बना हुआ है, तो ये है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा का एक गांव है, कौन सा है, बोरखेड़ा गांव है। तो बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में माही नदी के ऊपर कौन सा माही बजाज सागर बांध परियोजना निर्मित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि देखो ये परियोजनाएं जब बनती हैं तो काफी चरणों में काम होता है। एक चरण में पूरा नहीं होता था, दूसरा तीसरा चरण, जहां तक उनके उद्देश्य पूरे नहीं होते तब तक कई चरणों में काम चलता है। तो इसी के तहत प्रथम चरण में मुख्य रूप से इस नदी के ऊपर है, कौन सी नदी पर, माही नदी के ऊपर प्रथम चरण में मुख्य रूप से माही बजाज सागर बांध परियोजना का निर्माण हुआ। तो माही बाजार सागर बांध प्रथम चरण में बन करके तैयार हो गया था काम के, ये प्रथम चरण में हुआ, ठीक है। तो ये 1 नवंबर 1983 को बनकर के तैयार हुआ, पूर्ण हुआ, और 1983 में ये पूर्ण हुआ और 1 नवंबर 1983 को इस बांध को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। तो कब किया, 1 नवंबर 1983 को राष्ट्र को समर्पित हो गया था माही बजाज सागर बांध। ये आपको ध्यान में रखना है, पूछ लिया जाए यहां से कोई प्रश्न तो आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात है कि ये जो बांध है, इस बांध से होता क्या क्या है, इस बांध से होता क्या क्या है। एक तो इस बांध से विद्युत पैदा होती है और एक सिंचाई, तो दो काम तो इससे होते ही होते हैं। एक तो सिंचाई होती है और सिंचाई लगभग 80,000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र इस बांध से सिंचित होता है। तो इस बांध से जब सिंचित होता है, इतना क्षेत्र सिंचित होता है, तो राजस्थान का भी हिस्सा आता है इसमें और गुजरात का भी, तो दोनों में इसकी इससे सिंचाई होती है। चलिए ठीक बात है, क्योंकि यहां एक जब दूसरा चरण हम देखेंगे तो कालदी पिकअप बांध, ये जो मुख्य बांध है इसी के नीचे बनाया गया है दूसरे चरण में, कौन सा, कागदी पिकअप बांध, जिसका नाम क्या है, कागदी पिकअप बांध, इस मुख्य बांध के नीचे ही है। और यहां से निकाली गई हैं कितनी नहरें, दो नहरें निकाली गई हैं, दोनों ही मुख्य नहरें हैं, बाई भी मुख्य नहर है और दाई भी मुख्य नहर है। अब यहां बाई नहर तो सिंचाई के लिए मुख्य रूप से, और जबकि दाई नहर, इस पर दो लघु विद्युत गृह स्थापित किए गए, कितने, दो लघु गृह स्थापित किए गए, जिसके स्थान है उनका घाटोल और गानोड़ा। ये दोनों स्थानों पर जो दाई नहर है उसी पर लघु विद्युत गृह स्थापित किए गए। ये तो दूसरे चरण की हम बात कर रहे हैं, जो कालदी पिकअप बांध बनाया गया था किसके, मुख्य बांध के नीचे, उसी से मुख्य रूप से दो नहरें निकाली गई, एक बाई नहर सिंचाई के लिए, एक दाई नहर जिस पर दो विद्युत ग्रह, लेकिन लघु विद्युत ग्रह स्थापित है, कहां है, घाटोल में है और गांगड़ा में। तो ये तो इस पे दूसरे चरण तक की हमने बात की, ठीक है। अब इसके बाद इससे पहले एक बात और कर लेते हैं कि तीसरे चरण की बात कर लेते हैं। तो तीसरे चरण में क्या किया गया कि मुख्य बांध पर एक तो 50 और एक 90 मेगावाट के दो विद्युत ग्रह स्थापित किए गए, लेकिन ये चरण कौन सा था, ये चरण था तीसरा चरण था, ठीक है।
तो प्रथम, अब आपको थोड़ा सा देखना है कि प्रथम चरण में क्या बना, मुख्य बांध बना, जिसका नाम क्या है, माही बाजार सागर बांध परियोजना रखा गया। चलो इसके साथ में ये भी देख लेते हैं किसके नाम पर रखा गया। देखो इस परियोजना का जो नामकरण किया गया वो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे एवं राष्ट्रीय नेता थे जिनका नाम था श्री जमला लाल बजाज के नाम पर यह परियोजना का नाम रखा गया। ठीक है, चलिए इस नाम की भी हमने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं कि ये भाई मुख्य बांध पर 50 और 90 मेगावाट तो टोटल कितना हो गया, 140 मेगावाट के विद्युत गृह स्थापित किए गए। अगर टोटल भी पूछ लिया जाए है तो 140 मेगावाट का विद्युत गृह यहां स्थापित हो गए, दो हुए थे ठीक है और दो यहां लघु बताए गए हैं। तो मुख्य पे तो ये है और जबकि कागदी पिकअप बांध है उससे जो दाई नहर है उसी के ऊपर दो लघु विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं, तो ऐसे चार हो गए। तो अब बात कर लेते हैं कि ये काम कब हुआ था। ये बांध तो पहले बन गया प्रथम चरण में, लेकिन ये जो दो विद्युत गृह स्थापित किए गए थे ये तीसरे चरण में स्थापित किए गए थे, आपको ये ध्यान रखना है। ये 50 का लगा 1986 में और 90 मेगावाट का लगा 1989 में, तो इससे निर्माण होना चालू हो गया था विद्युत का। अब इसके बाद में मुख्य सी जो बात है वो कर लेते हैं, सामने आ जाती है अपने कि राजस्थान और गुजरात की यह साझी परियोजना है। तो भाई पूछ लिया जाए कि राजस्थान और गुजरात की साझी परियोजना कौन सी है या ये परियोजना देकर के किस किस राज्य की ये साझी परियोजना है, यानी कि दोनों का योगदान है, कोई काम होता है तो दोनों उस पर ध्यान भी रखते हैं खर्चा भी लगाते हैं। तो यहां बात यह आती है कि राजस्थान और गुजरात की साझी परियोजना है कौन सी है, माही बजाज सागर बांध परियोजना जो है वो राजस्थान और गुजरात की साझी परियोजना है। अब कितना कितना हिस्सा है उसको हम देखते हैं तो 45 और 55 का अनुपात है दोनों का, कितने का है 45 और 55 का अनुपात है। तो राजस्थान का तो 45 है और गुजरात का 55 है। अगर यह होता है तो इस प्रकार से ये बंटवारा करके अनुपातित रूप में खर्च करते हैं इस परियोजना के ऊपर। इसके बाद में हम मुख्य रूप से नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई ये जो माही बाजार सागर बांध परियोजना जो है बिल्कुल बांसवाड़ा में है, ये भी सही है, और राजस्थान और गुजरात दोनों की साझी परियोजना है, ये बात भी बिल्कुल सही है, और इसमें 45-55 का हिस्सा है, ये भी बात सही है। अब बात आती है यहां विद्युत को लेकर के, किससे इसको लेकर के, बिजली को लेकर के। देखो साझी परियोजना तो है लेकिन इस पर एक जो पॉइंट बनता है, जो एक विशेषता है इसकी, उस पर हम बात कर लेते हैं कि इसकी समस्त विद्युत केवल राजस्थान को प्राप्त होती है। साझा तो दोनों का है, माही बाजार सागर जो बांध परियोजना है इसमें साझा तो गुजरात का भी है और राजस्थान का भी है, सिंचाई तो दोनों में होती है, लेकिन इसकी जो समस्त इस परियोजना से संबंधित जितने भी विद्युत है, जितनी विद्युत पैदा होती है वो सारी की सारी विद्युत किसको प्राप्त होती है, राजस्थान को प्राप्त होती है। किसको प्राप्त होती है, राजस्थान को प्राप्त होती है, यह आपको ध्यान रखना है कि इसकी समस्त जो विद्युत है वो राजस्थान को प्राप्त होती है। इसके बाद में हम जो बात करने वाले मुख्य रूप से, अब इससे जो सिंचाई डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में दोनों में होती है, तो विशेष अगर तहसीलें हैं तो उनपे हम बात कर लेते हैं कि डूंगरपुर जिले की तो आसपुरा सागवाड़ा एवं सिमलवाड़ा तहसील जो है किसकी है, ये डूंगरपुर जिले की है। कौन कौन सी है, आसपुरा सागवाड़ा एवं सिमलवाड़ा जो तहसील है इनको सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, किस परियोजना से उपलब्ध है, माही बाजार सागर बांध परियोजना से डूंगरपुर जिले की आसपुरा सागवाड़ा एवं सिमलवाड़ा तहसील को सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। अब इसी के साथ साथ में मुख्य रूप से बांसवाड़ा जिले के जनजातीय क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध है,
यानी कि बांसवाड़ा जिले के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उनको भी इसी माही बाजार सागर बांध परियोजना से सिंचाई की व्यवस्था है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है किस क्षेत्र को, जनजातीय क्षेत्र को। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इस परियोजना का अब ये पूछ लिया जाए कि भाई माही बाजार जो सागर परियोजना है, इसका सर्वाधिक लाभ किस जिले को होता है, सर्वाधिक लाभ राज्य में किस जिले को होता है। तो इस परियोजना का सर्वाधिक लाभ बांसवाड़ा जिले को होता है। सर्वाधिक लाभ किस जिले को होता है? बांसवाड़ा जिले को होता है। आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम मुख्य रूप से कोटा बैराज को लेकर के चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।